अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने रोज़ फ्लावर्स को, ये सामने पॉट्स आप देख रहे हैं, इनमें शिफ्ट कर रहा था और मुझे एक चीज़ सुनाई दी है, कुछ चिक्स की आवाज़ सामने सेटअप से। तो मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद हमारे रिंगनेक उनके बच्चे आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा करीब होके इनकी आवाज़ सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों तो मैं कोई शोर, यार बोलने तो दिया करो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेटअप के अंदर और बहुत स्लो स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि पैरट्स को मेरी आवाज़ ना आए और वो कहीं चौंक ना जाए। तो थोड़ा सा करीब होते हैं और इनकी मटकी यहाँ पर ये लगी हुई है और यहाँ पर वेट करते हैं जब इनके चिक्स की आवाज़ हमें आती है या नहीं। दोस्तों अभी तो इनकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर फिर इनकी आवाज़ आई तो मैं आप लोगों को फिर सुनाऊंगा। तब तक मैं आप दोस्तों को यहाँ की कुछ अपडेट दे देता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, अंडा तो अभी तक एक ही है और ये बाहर हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये अंडा ख़राब हो चुका है। तो इस अंडे को हम दोस्तों फेंक देंगे। तो अभी मैं इसकी कैनलिंग करूंगा और अगर ये अंडा ख़राब हुआ तो हम इसको फेंक देंगे। यहाँ से देखें दोस्तों, ये जगह आप लोगों को खाली नज़र आ रही होगी। हमारी ब्लैक फ्रैंकुलिन की फ़ीमेल, वो बेचारी भी एक्सपायर हो गई हैं। पता नहीं, थी तो ठीक ठाक लेकिन शायद वो अपने पार्टनर के पीछे खफा थी, तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं। इस वक्त यहाँ पर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही ही होगी। और हमारा ये वाला पेयर भी दोस्तों, अब मुझे लग रहा था कि शायद इनकी इस बार मुझे ब्रीड आ जाए, लेकिन फीमेल शायद अभी रेडी नहीं हुई ब्रीड के लिए। तो वेट कर लेंगे, लेकिन कुछ ख़ास इनसे एक्सपेक्टेशन इस वक्त है नहीं, क्योंकि फीमेल उनका लोअर पोर्शन बिल्कुल भी लोडेड नहीं है।
तो हम वेट तो कर सकते हैं क्योंकि अभी सीज़न में ऑफ होने में तकरीबन एक दो महीने हैं, शायद हमें कोई ये सरप्राइज़ दे दें, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो लव बर्ड्स ने कुछ ना कुछ अंडे नीचे फेंक दिए होते हैं। एक वो सामने पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों इनके अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे हैं या फिर इनमें से चिक्स नहीं निकल रहे। यहाँ पर भी कुछ अंडे थे, अभी भी ये अंडा ख़राब हो चुका है दोस्तों, क्योंकि ये ब्लू लव बर्ड जो है इनके यहाँ पर अंडे थे लेकिन इसके साथ किसी भी मेल के पेयरिंग नहीं थी, इसलिए ये फर्टाइल नहीं हो रहे थे। और ये फिशर, इनका तो दोस्तों यहाँ पर नेस्ट आ चुका है और माशाल्लाह काफ़ी मज़े का नेस्ट इन्होंने बनाया है, लेकिन ब्रीड का कुछ कह नहीं सकते, कब तक ये अंडे लेकर लेंगे और इनके चिक्स कब तक आएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये वाला पेयर है, लास्ट टाइम भी इसने 3 चिक्स प्रोड्यूस किए थे माशाल्लाह। एक चिक ये येलो और इसकी फीमेल, वो तो एक्सपायर हो गई थी बेचारी, तो इनका था। अब देखते हैं मज़ीद हमें इनकी प्रोग्रेस मिलती है इस साल या फिर यहीं पर इनका स्टॉप हो जाएगा। आज दोस्तों बताया हुआ है कि शायद बिजली का ब्लैकआउट हो जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो मैं वेट कर रहा हूँ इस वक्त। अगर ब्लैकआउट नहीं होता तो मैं इनके उठा लूँगा और इनके इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, ये अब हैच होने के करीब होंगे, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि यहाँ पर इनके चिक्स आ जाएं और वो सर्दी से एक्सपायर हो जाएं। तो इनको हम शिफ्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, और साथ में हमारा सेकंड पेयर जो है उसका भी कर लेंगे। कुछ ना कुछ उनके भी अंडे आ चुके हैं, वो तो ऑलमोस्ट हैच होने के करीब होंगे, इनमें तो फिर भी टाइम है। तो आइए चलते हैं उस पेयर की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो इस पेयर की बल्कि इस ट्राइव की बात मैं कर रहा था, तो इनकी चिक्स अभी हैच होने वाले होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों माशाल्लाह फीमेल फीमेल दोस्तों बैठ चुकी है, तो माशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इनके चिक्स आ जाएंगे। तो इनके अंडे भी मैंने उठाने हैं और इसको इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह दोस्तों, ये अपने हीरा चिक की फीमेल है, माशाल्लाह साइज़ देखें, क्वालिटी देखें। अब थोड़ा सा इसको निकालते हैं बाहर ताकि ये थोड़ा घूम फिर ले और ये ख़ुद को रिलैक्स कर ले। हर टाइम दोस्तों मैं इसको इसलिए बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि इनके दुश्मन ये सामने हैं, अक्सर इनमें लड़ाई हो जाती है, तो इनको लड़ाई से बचाने के लिए मैं इसको हर वक्त बाहर नहीं निकाल सकता, सिर्फ उस टाइम ही मैं निकाल लेता हूँ जब मैं यहीं पर होता हूँ, ताकि मेरे सामने ये रहें, अगर इनमें कोई लड़ाई वगैरह हो तो मैं इनको बचा सकूँ। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ तब ही इनको निकालता हूँ जब मैं खुद यहाँ पर मौजूद होता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों, अपना सील का ये फ्लॉक भी चेक करें, माशाल्लाह क्वालिटी देखें, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बहुत ही खूबसूरत बर्ड, अच्छे साइज़ में, अच्छी हेल्थ के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। और दो वहाँ पर कड़े हैं और ये माशाल्लाह इनका रूस्टर चेक करें, इंशाल्लाह दोस्तों ये बहुत जल्द एक लेंग के लिए तैयार हो जाएंगे। रूस्टर को माशाल्लाह चेक करें दोस्तों, और ये वाली फीमेल ये भी माशाल्लाह वाइट होना शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी फुल वाइट हो जाएंगी। बाकी माशाल्लाह ये तो शुरू से ही वाइट थे, देखिए माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें। तो अब दोस्तों बारी आ चुकी है अपने रिंगनेक्स की तरफ जाने की। यही वो पेयर है दोस्तों जिसने एग लेइंग की थी और यहीं से मुझे चिक्स की आवाज़ भी आई है, तो आइए चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं कि हमारा शक सही था। मुझे तो वैसे दोस्तों लग रहा है, वीडियो मैंने जब लास्ट टाइम अपलोड की थी इनकी, कि अभी इनमें टाइम है, लेकिन फिर भी देख लेंगे,
क्योंकि शक मुझे हो चुका है, तो अभी चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पर। ये हमें देखने नहीं दे रही दोस्तों। एक अंडा तो शायद टूटा हुआ है। वो देखिए माशाल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह। वो टेल के साथ आप लोगों को एक चिक उसका हेड नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो देखिए दोस्तों, एक चिक तो हमें नज़र आ चुका है। टोटल इसके 5 एग्स थे दोस्तों। वो देखिए माशाल्लाह, एक चिक तो फुली नज़र आ रहा है अभी इस वक्त। बाकी कितने चिक्स हैं, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं मामा इनकी, ताकि हम भी देख सकें, कुछ नहीं कहेंगे। ये अभी दोस्तों अटैक करने ना आ जाए, काफ़ी ख़तरनाक अटैक होता है इसका। कई बार ये मुझे काट चुकी हैं, इसलिए डर भी बहुत लगता है। और इनके बीक काफ़ी तेज़ होते हैं, अगर ये काटने पर उतर आए तो खून भी निकल सकता है, बल्कि कई बार मेरा खून निकल चुका है। अब दोस्तों एक माशाल्लाह आ चुका है, बाकी तो इस वक्त भी अंडे हैं, अभी कंफर्म हो गया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़। तो ये थी दोस्तों आज की गुड न्यूज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, चिक्स आना शुरू हो चुके हैं। अब दुआ यही है कि बाकी 4 अंडों में से भी चिक्स निकल आए, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। और हमारा शक भी सही निकला, माशाल्लाह इसके चिक्स आ चुके हैं। जो आवाज़ मैंने सुनी थी तो वो इस चिक की ही थी, शायद ये उस टाइम पर फीड मांग रहा था अपने पेरेंट्स से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक गुड न्यूज़ तो हमें यहाँ से मिल गई है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा, और साथ में अपने चैनल क्लक्स क्लब को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।